नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। कंचन टीवी पे हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। कंचन टीवी की टीम आज जो है रत्ताखेड़ा गांव में पहुंची है। उम्मीद चैरिटेबल जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से जो है रत्ताखेड़ा गांव में कैंप का जो है आयोजन किया जा रहा है। उस कैंप के अंदर जो है बीमारियों की जो है जाँच की जाएगी और दवाइयाँ जो है वो फ्री में दी जाएंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीद चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन सतीश जांगड़ा उर्फ काला भगत। तो सर ये बताइए, जो कैंप लगाया गया सर, ये मतलब पहले भी आपने कहीं लगाया सर? सर सबसे पहले तो कंचन टीवी को धन्यवाद देता हूँ, जो आप इतने लोगों के अंदर बात पहुँचाते हो हमारी, हम आपका दिल से मन से धन्यवाद करना चाहते हैं। नंबर दूसरी बात, हमने लॉकडाउन में 650 ग्राम राशन वितरण किया है और 2500 कामड़ के लगभग मैं पहले भी बांट चुका हूँ और 2-3 गाँव में ये कैंप लगाने चालू कर दिए हैं। ये पूरे हम अपने ब्लॉक में कैंप लगाएंगे। तो सर जो आज चेकअप किया जाएगा तो दवाइयाँ जो हैं फ्री में बांटी जाएंगी? सर चेकअप भी और दवाई भी फ्री दी जाएंगी सभी को। तो इससे पहले भी सर आप कोई कैंप लगा चुके हो? हाँ, भादरगढ़ गांव में था परसों और आज रत्ताखेड़ा में, परसों का है जयपुर गदड़ी में। जी जी, हाँ जी। तो आगे फिर आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी सर? सर ये तो हम पूरे ब्लॉक के अंदर ही बांटेंगे, पूरे ब्लॉक को आप कवर करेंगे। तो सर ये प्रेरणा आपसे समाज सेवा की कहाँ से मिली सर? ये सर एक हमने गरीबी देखी है नज़दीक से। जी जी। और अब लॉकडाउन था, जैसे राशन बांट है उसमें भी गरीब आदमी बहुत तंग हो गए। अब जैसे कि बीमारी चल रही है बुखार की, जी बुखार की बीमारी को देखते हुए जाके मजदूर आदमी है वो काम नहीं कर पाते, बेचारे दिहाड़ी कम हो गई है, इसलिए हमने ये सेवा का कदम उठाया। ये हमने संकल्प ले लिया है पूरी ज़िंदगी में, मैं इतना जीऊँगा तो समाज सेवा ही करूँगा। जी जी। तो अभी आपने सुना सतीश जांगड़ा जी उर्फ काला भगत को, ये जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि साफ तौर पे जब लॉकडाउन था तब भी इन्होंने बहुत समाज की जो है सेवा की है, कंबल वगैरह बांटे हैं लोगों को, गरीब लोगों को खाना वगैरह दिया है और जो आजकल जो है ये दवाइयां फ्री में दे रहे हैं और चेकअप करा रहे हैं। तो जो डॉक्टर की टीम आई है उनसे भी जानते हैं इस बारे में कि जो यहाँ पर जो है किस किस चीज़ का जो है चेकअप किया जा रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर यहाँ पे किस किस बीमारी का सर चेकअप किया जा रहा है? सर यहाँ पे सर्वाइकल, माइग्रेन, घुटनों का दर्द, घुटनों के ग्रीस स्नैप बनना, गठिया बा और जी कमर दर्द, कंधे का दर्द, पैरालाइज, सभी का ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा किया जाएगा। जी जी। और फ्री चेकअप कैंप लगाया गया सर, सेकंड विजिट आज। सेकंड, इससे पहले कहाँ पे सर आपने कैंप लगाया? सर बहादुरगढ़ गाँव में लगाया था। जी जी। तो वहाँ से अच्छा मतलब वो मिला है समाज से, हमारे सिलाखेड़ी से सतीश भगत जी हैं, ये समाज सेवा के लिए हमेशा आगे आए हैं और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे जी। जी जी, समाज सेवा का काम करेंगे। तो हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, उन सर जानते हैं सर किस किस बीमारियों के यहाँ पे आज चेकअप किया जाएगा? सर जो आजकल नॉर्मली वायरल चला हुआ है, खांसी जुखाम है, बुखार है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत होती है भाई, कोल्ड वगैरह हो गया, जुखाम है, तेज़ फीवर होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा ना समाज सेवा में भाई जो गरीब परिवार से हैं, जो दवाई वगैरह का अपने कर नहीं सकते ना, उनके लिए हमने कैंप लगाया हुआ है। तो हम इसकी वजह से अपने भाई जो वायरल चला ना उसके इलाज के लिए हम ये कर रहे हैं। तो सर क्या आप भी कोई फीस वगैरह लेते हैं या आप भी फ्री में सर समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं सर, इसके लिए हम बिल्कुल कोई फीस नहीं ले रहे हैं, कोई चार्जिंग वगैरह नहीं, कोई मेडिसिन का कोई चार्जिंग नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना, कोई किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। तो सर समाज सेवा करके आपको कैसा फील होता है सर, जैसे आप पैसे भी लेते हैं सर और फ्री में ही सारा अपना समय भी देते हैं सर? समाज सेवा करके सर बहुत अच्छा लगता है और समाज सेवा हमेशा करते रहेंगे, जब भी मतलब कोई भी बुलाएगा, कोई भी हमें आगे लेके आएगा, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सदैव तत्पर रहेंगे। जी जी। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ पेशेंट मौजूद हैं जो पहले दवाई ले चुके हैं, उनसे जानते हैं कुछ इनको आराम हुआ है या नहीं है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री किशन है। तो श्री कृष्ण जी बताइए, पहले भी आपने दवाई ली डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से 3 दिन पहले बहादुरगढ़ में कैंप लगा था निका जी। जी जी। और उस टाइम इन्होंने दवाई दी थी, थोड़ा पैर में तकलीफ थी मिसिज को। हाँ जी। तो पैर इधर उधर थोड़ा बहुत ही किया, मालिश की और फिर दवाई दी जी, शेक वगैरह लगाई। तो पहले से कुछ ये आराम महसूस कर? आराम से 35-40% आराम है जी पहले से। जब भी हम खुद पेशेंट से जानते हैं जी, अपना नाम बताइए आप। बबली जी। तो आपको जो तकलीफ थी उसमें कुछ आराम है? हाँ जी, 30% है जी। पहले से आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं? हाँ जी, अनुभव कर रहे हैं जी। तो
आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर टीम है यहाँ पे एक बहुत ही बेहतर टीम है, जो कि अनुभवी टीम है। और आपने अनुभव भी सुना, यहाँ पे बबली नाम की एक महिला है जिन्होंने पहले 3 दिन पहले ही जो है चेकअप कराया था, उनको कोई दिक्कतें थी और दवाई वगैरह इनसे ली थी और दवाई लेने से इनको काफ़ी रिलीफ हुआ है। तो आप ये जो समाज सेवा कर रहे हैं काला भगत, हम उनकी भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और हम आशा रखते हैं कि भी वो आगे से भी ये कैंप का निरंतर जो है आयोजन करते रहेंगे। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रत्ताखेड़ा गांव से, मैं कप्तान सिंह सैनी, कैमरामैन राहुल के साथ सफीदों।